हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग तंत्र युक्ति की ट्रिक के बारे में जान रहे थे। तो तंत्र युक्तियाँ क्या होती हैं पहले तो ये समझ लें। तो तंत्र युक्तियाँ क्या होती हैं कि स्टार्टिंग में जब आचार्यों ने संहिताएँ लिखी थी तो कुछ शब्दों का जो अर्थ था वो स्पष्ट नहीं था। तो उन शब्दों के बारे में जाने बिना जो श्लोक लिखा होता था उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था। तो उस वजह से आचार्यों ने तंत्र युक्तियों का प्रयोग किया। तो जैसे आचार्य सुश्रुत ने 32 तंत्र युक्तियाँ दी थी, ठीक है। तो अब तनु विस्तारे करके लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लेता है स्टूडेंट, पढ़ने के बाद पूरा याद भी कर लेते हैं पर समझ फिर भी नहीं आता कि तंत्र युक्ति है क्या अल्टीमेटली। तो तंत्र युक्ति जैसे आज के टाइम पे कोडिंग्स यूज़ हो रही हैं और जीरोज़ वंस की लैंग्वेज यूज़ हो रही है, वर्ड मीनिंग्स हो रही हैं, डिक्शनरी एक तरीके से है जैसे, तो वही बस वर्ड का मीनिंग है। तो उस वर्ड का मीनिंग पहले समझें, वर्ड का मीनिंग समझने के लिए पहले वर्ड तो पता होना चाहिए। तो वही जो 32 वर्ड्स हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। तो अब ये 32 वर्ड्स हैं अधिकरण, योग, हेतु, अर्थ, इस तरीके से। तो इनको याद करना है, तो याद करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी क्योंकि इतने सारे ऐसे याद नहीं होंगे। अब एब्सर्ट से किस कहीं से भी स्टार्ट कर दें, कहीं से भी याद करने लगें तो उसका भी कोई खास पर्पज़ नहीं, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करके याद करना बेटर रहता है कि ऊपर इसके क्या था और उसके नीचे क्या था। तो उसकी एक ट्रिक बनाई है। अब ट्रिक ये है कि 32 वर्ड्स से बेटर है कि एक लंबा सेंटेंस बना के उसको याद कर लिया जाए। तो ट्रिक इस तरीके से है कि अधिक योग हेतु पुनः वाक्य उपदेश दिया, अर्थात निप्रसंग एक अपवर्ग विपर्य पूर्व विधान से अनुमति लेकर व्याख्यान दिया और संशय को अत अनागत स्वरूप से सचमुच निर्देश दिया, संयोग से विकल्प मिला। तो अब इसमें सारे वर्ड्स आ रहे हैं, अब सारे वर्ड्स आ रहे हैं, सेंटेंस तो बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप सेंटेंस को वर्ड से रिलेट कर लोगे तो याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। अभी तो लग रहा है कि बहुत लंबा सेंटेंस है लेकिन 15-16 टाइम्स आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और अब इसमें कैसे याद करना है, तो याद ऐसे करना है कि कोई योग सिखा रहा है, मान लीजिए योगा इंस्ट्रक्टर है, तो उससे पूछा गया योग के बारे में तो वो बता रहा है योग के बारे में। क्या बता रहा है, ऐसे बता रहा है, वो थर्ड पर्सन इसको देख रहा है कि अधिक योग हेतु पुनः वाक्य उपदेश दिया। किसने उपदेश दिया, जो योगा सिखा रहा था। तो उन्होंने क्या बताया, ये थर्ड पर्सन बता रहा है, अधिक योग हेतु पुनः वाक्य उपदेश दिया अर्थात निःप्रसंग एक अपवर्ग विपर्य पूर्व विधान से अनुमति लेकर व्याख्यान दिया और संशय को अत अनागत स्वरूप से सचमुच निर्देश दिया, संयोग से विकल्प मिला। तो अब इसका सेंस कुछ नहीं निकल रहा लेकिन आपको ये रिलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जो वर्ड्स हैं उनसे रिलेट करके आप एक सेंटेंस बना रहे हो और एक दूसरे से रिलेट करके आप याद कर रहे हो। अब अगर इसमें सेंस ढूंढोगे आप तो सेंस कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं, सिर्फ याद करने की ये ट्रिक है। तो अधिक से जैसे हो जाएगा अधिकरण, योग से योग, हेतु से हेतुअर्थ, पुनः से तीन वर्ड्स बनेंगे, पदार्थ, प्रदेश और उद्देश्य, प से पदार्थ, प से प्रदेश और ऊ की जो मात्रा है उससे बन जाएगा उद्देश्य, ठीक। फिर उसके बाद वाक्य शेष बन जाएगा हमारा वाक्य से उपदेश, उपदेश से हम लोग तीन वर्ड्स बनाएंगे, उपदेश, अतिदेश और अपदेश, तीन वर्ड्स बनाएंगे उपदेश, अपदेश और अतिदेश। अब जो इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, दिया, दिया, मिला और से, इन सारे वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं, ये सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ यूज़ हुए हैं। तो अब हम लोगों ने देखा अधिक योग हेतु पुनः वाक्य उपदेश दिया, उसके बाद अर्थात, अर्थात से हो जाएगा अर्थापत्ति, क्या हो जाएगा अर्थापत्ति, निःप्रसंग, निःप्रसंग से हो जाएंगे दो वर्ड्स, एक निर्णय और एक प्रसंग। जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनके दो या तीन मीनिंग्स हैं, दो या तीन वर्ड्स इससे बनेंगे, तो ये नीचे लिखा हुआ है कि ये वर्ड्स हैं जो फाइव, इनके दो या तीन वर्ड्स बनेंगे। उसके बाद एक, एक से क्या बनेगा, एकांत और अनेकांत, अपवर्ग, अपवर्ग पूरा पूरा वर्ड लिख दिया है, विपर्यय पूरा पूरा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पूर्व, पूर्व पक्ष, विधान, विधान, अनुमति, अब अनुमति होता है परमिशन, बड़ी ये दूसरी चीज़ है अनुमत, ठीक। लेकर व्याख्यान, तो व्याख्यान पूरा पूरा लिखा हुआ है, व्याख्यान से, व्याख्यान दिया, ठीक। अब उसके बाद और संशय, संशय से क्या हो जाएगा, संशय से हो जाएगा संशय, अब ये देखिए संशय हो जाएगा यहाँ पर, ये रहा संशय, ठीक। संशय के पश्चात क्या होगा, संशय को अत अनागत, अब अत
से हो जाएगा अतीतावेक्षण और अनागत से हो जाएगा अनागतावेक्षण। फिर स्वरूप से हो जाएंगे दो वर्ड्स, एक स्व संज्ञा, दूसरा जो रूप का जो उ है उससे याद रखेंगे उहा उहा, ठीक है। तो स्वरूप संयोग से सॉरी स्वरूप से सचमुच निर्देश दिया, सचमुच में हो जाएगा समुच्चय, निर्देश का मतलब निर्देशन, और उसके बाद आखिरी सेंटेंस है कि अल्टीमेटली क्या हुआ, संयोग से विकल्प मिला। जो पूछ रहा था उसको इंसान को उत्तर मिल गया उसका, संयोग से विकल्प मिला। तो एक हो जाएगा संयोग, संयोग लिखा है बट यहाँ पे होगा संयोग और विकल्प, तो विकल्प से हो जाएगा विकल्पन। तो ये हमारी ट्रिक है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको, लेकिन जब एक बार आप समझ जाएंगे तो उससे याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, फाइनल्स में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, और अगर आ गया और याद नहीं है तो 15 मार्क्स पूरे कटेंगे, उसमें कोई चांस नहीं है फिर मार्क्स मिलने का। तो इसके लिए याद कर लीजिए, अधिक योग हेतु पुनः वाक्य उपदेश दिया, अर्थात निप्रसंग एक अपवर्ग विपर्य पूर्व विधान से अनुमति लेकर व्याख्यान दिया, और संशय को अत अनागत स्वरूप से सचमुच निर्देश दिया, संयोग से विकल्प मिला। ठीक, अब इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, पर आपको याद हो जाएगा इससे कि तंत्रियां जो हैं 32 सुश्रुत के अनुसार वो क्या है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आगे फिर बाकी की ट्रिक्स देते रहेंगे। थैंक यू।